Hello, welcome to Arvind Singh Academy. This is the video lecture number 17 on limits. We are discussing limits right now, and I hope you have watched already lecture number 1 to 16. Before watching this 1 to 16, it is not advisable to watch lecture number 17 because it is a difficult one that is going to step by step. So unless you have a good clear concept about all those basic concepts, you will be not able to understand it. So it is advised that you watch first all prior video lecture and then come to this video lecture. If you have watched all the previous video lecture, then you are welcome here today. Today we are going to discuss about limits and a special application of limits by using integration. So that is called Newton-Leibniz rule. So let me introduce first Newton-Leibniz rule. What is this? Newton-Leibniz rule. Newton's Leibniz rule. ये rule क्या है? पहले इस rule को समझते हैं. उसके आधार पे हम इसके questions और करेंगे. ये rule है क्या? ये rule basically किसी function को डिफरेंशिएट करने के लिए आता है. इंटीग्रेबल फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए आता है. पहले रूल सीखते हैं. रूल क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ कोई फंक्शन है, मान लीजिए डिफरेंट इंटीग्रल का, ये है एफ एक्स और ये कहाँ से कहाँ तक है? जी एक्स से एच एक्स तक इसकी लिमिट है. डिफरेंट इंटीग्रेशन है. इस फंक्शन को हमें अगर डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में, चूंकि x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. तो सबसे पहले डिफरेंशिएट जब करते हैं तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर. आपको पता है कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर. सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट अ फंक्शन एंड इफ यू डिफरेंशिएट इट देन देयर इज नो चेंज. But there is a big change of constant as well. But what to do कि यहाँ पे ये एक function है x का और हम x के respect में इसको differentiate करते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है कि f of जो upper limit है उससे इसको replace कर देंगे. h x जो x है उसके जगह पे upper limit आ जाएगा. फिर upper limit का derivative minus f of lower limit and फिर lower limit का derivative. ये होता है न्यूटन लेबनिज रूल के हिसाब से किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का तरीका. किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का तरीका ये होता है कि एच एक्स एच डैश एक्स एफ ऑफ जी एक्स एंड जी डैश एक्स. ये सबसे पहले अपर लिमिट को हम फंक्शन की जगह पर प्लेस कर देंगे, फिर उसका डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जी एक्स रिप्लेस कर देंगे और फिर जी एक्स को हम डेरिवेट करेंगे. अब इस पे लिमिट के कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं? कई बार आप देखेंगे लिमिट के क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए. लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 टू x sin x, चाहे sin t dt कुछ भी लिखा जा सकता है ऐसे, अपॉन x स्क्वायर. ऐसा कुछ फंक्शन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो कैसे करोगे? अब देखिए अगर x 0 हो तो ये 0 टू 0 हो जाएगा. इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो गया? 0 टू 0. 0 टू 0 कोई भी इंटीग्रेशन होगा, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. लिमिट ऑफ इंटीग्रैंड अगर पूरी तरह से सेम है तो उसकी वैल्यू होती है 0, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया इंक्लोज्ड बाय द रीजन. और अगर एरिया किसी पॉइंट से चल के पॉइंट तक ही हो रही है तो कोई एरिया जनरेट नहीं होगी. ठीक है, जब आप कुछ बच्चे हो सकता है नहीं पता हो तो उनके लिए बता दे रहा हूं, ये अगर a से b तक किसी फंक्शन की लिमिट लिखी हुई है, ये fx है और ऐसा लिखा हो a टू b fx dx, इसका मतलब होता है ये पूरा एरिया इंक्लोज्ड बाय, दैट इज एरिया इंक्लोज्ड बाय फंक्शन fx बिटवीन a टू b x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b एंड x एक्सिस. ये होता है इसका मतलब कि इस फंक्शन के x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b के बीच का और x एक्सिस के बीच का एरिया जो होता है वो होता है इसका मतलब. ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन का. बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे 11th में जो इस चीजों से वाकिफ नहीं होंगे तो उनके लिए
बता रहा हूं, ये इसका मतलब होता है। तो अगर पॉइंट ही यहीं से चल के यहीं पे शुरू होते, एरिया क्या होगा? जीरो। इसलिए जब ये एक्स जीरो होगा तो ये इंटीग्रेंड हो गया, लोअर लिमिट हो गया जीरो, अपर लिमिट हो गया जीरो, और जीरो से जीरो तक इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो ऐसी स्थिति में ये ऊपर का वैल्यू हो गया जीरो और नीचे एक्स जीरो हो रहा है इसलिए भी हो गया जीरो। तो ये जीरो बाय जीरो के फॉर्म में है। लास्ट क्लास में हमने एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा था। तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या था कि अगर जीरो बाय जीरो के फॉर्म में कोई चीज हो तो हम उसे क्या करते हैं, उसे एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, मतलब ऊपर वाले को इंटीग्रेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, और नीचे वाले को भी डिफरेंशिएट करते हैं। अब ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करने के लिए ही ये न्यूटन लेबनीज रूल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? क्या बताया कि ये फंक्शन के जगह पे पहले अपर लिमिट लिख दो, यानी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स, और फिर एक्स का डेरिवेटिव कितना, वन, माइनस फिर टी के जगह पे लोअर लिमिट साइन जीरो, और जीरो का डेरिवेटिव क्या हो गया, जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और नीचे वाले एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, टू एक्स। यानी ये कुछ इस तरह का हो गया कि 1 बाई 2 साइन एक्स ऊपर से बच गया और नीचे x बच गया, साइन x बाई x क्या होता है, 1, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, 1 बाई 2 आंसर हो गया। ऐसा कुछ इसी तरह का समझ आ गया, साइन x बाई x क्या होता है, 1। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो एक बार और डिफरेंशिएट करते तो साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, cos x, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 1, ऊपर cos x नीचे 1, x 0 होने से ऊपर cos 0 हो जाता, cos 0 वैसे ही 1 होता है, तो ये 1 by 2 का 1 by 2 रह जाता, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0, 0 to x square tan t dt upon x to the power 4। यहां भी अगर x 0 हो तो ये 0 हो गया, तो 0 से 0 इंटीग्रेंड हो गया तो वैल्यू क्या होगी, 0। अब इसको भी हम ये 0 बाई 0 के फॉर्म में है तो इसको एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, और एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए ये न्यूटन लेबनीज रूल की जरूरत पड़ेगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, जहां पर t है वहां पर हमें क्या लिखना है, x स्क्वायर अपर लिमिट, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, 2x, माइनस tan t के जगह पे क्या, लोअर लिमिट, और जीरो का डेरिवेटिव जीरो। यानी ये पूरा चीज जीरो हो जाएगा, बार बार इसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी हमने समझने के लिए ऐसा लिख दिया। x 4 का डेरिवेटिव 4x³, मतलब ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इनटू x 2x अपॉन x स्क्वायर, x बच गया, ये x से x कैंसिल हो गया, tan x स्क्वायर बाय x स्क्वायर 1 हो गया, 1 into 2 क्या हो गया आंसर, 2 अपॉन में 4 भी है, अपॉन में 4 है यहां पे, तो इसलिए हो गया 2 बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 2, इसका भी आंसर हो गया 1 बाय 2। एक तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखो ये है लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 टू x sin √t dt अपॉन x क्यूब, ऐसा कुछ। अब इस सवाल को कैसे करें, ऐसा अगर क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें? ये x टेंड्स टू 0 हो रहा है, इसका मतलब है कि ये भी 0 बाय 0 के फॉर्म में, तो क्या करना चाहिए, अभी लिखना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूटन लेबनीज रूल फिर लगा देंगे, sin t के जगह पे ये x स्क्वायर है, ठीक है, तो ये t के जगह पे क्या रखोगे, x स्क्वायर, तो अंडर रूट x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x, और फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, माइनस फिर जीरो रखेंगे और जीरो का डेरिवेटिव जीरो, तो बाहर वाला टर्म क्या आ जाएगा, जीरो, और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया बताइए, 3x स्क्वायर, एक x से एक x कैंसिल हो गया, बच गया यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 2/3 और एक sin x / x जो कि क्या होता है, 1, इसलिए आंसर क्या हो गया, 2/3, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन हम लेते हैं, और ये है जैसे अब इंफिनिटी के टर्म्स में, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 0 टू x, 0 टू x e टू द पावर x स्क्वायर का x स्क्वायर dx का होल स्क्वायर पूरे का, और डिवाइडेड बाय अगेन
जीरो टू एक्स ई टू द पावर टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, बताइए आप कैसे करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसा होगा। ई टू द पावर एक्स स्क्वायर एक कर्व होता है जो इंफिनिटी की ओर जाता है, उसके अंदर एरिया जो होगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी, लेकिन चूंकि ये इंफिनिटी तक जा रहा है तो ये कर्व कैसा होगा, ये कर्व ऐसा होगा ई टू द पावर एक्स का। और आप जीरो से लेकर के यानी वाई एक्सिस से लेकर के और इंफिनिटी तक जा रहा है तो ये एरिया एक्स एक्सिस के अंदर जो इंक्लोज होगी कितनी होगी, इंफिनिटी होगी। यानी ऊपर वाला फंक्शन भी इंफिनिटी है, नीचे वाला फंक्शन भी इंफिनिटी है, तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म में है। अब ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म में है तो क्या करना चाहिए, एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहिए। एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगाओगे, आपको डिफरेंशिएशन में याद होगा कि किसी भी फंक्शन का स्क्वायर होता था एक्स स्क्वायर टाइप, तो चेन रूल जब लगाते थे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता था, टू एक्स। तो सबसे पहले अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी ट्वाइस ऑफ जीरो टू एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, पहले ये लिख दिया ट्वाइस ऑफ दिस पूरे का। फिर अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, x के जगह पे यही x ही रखना है यानी e to the power x square, और इस x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, फिर 0 रखेंगे माइनस और 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे का फंक्शन यहां पे फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पहले ये हो जाएगा x, x के जगह पे x यानी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और x square का x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस फिर x के जगह पे 0 और 0 का डेरिवेटिव 0, तो ये पूरा चीज 0 आ जाएगा। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ट्वाइस ऑफ 0 टू x e टू द पावर x स्क्वायर dx, e टू द पावर x स्क्वायर यहां पे भी है और यहां 2x स्क्वायर है तो एक माइनस हो जाएगा, यहां रह जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर से, है ना, नीचे पावर आके ये क्या होगा, ऊपर वाला पावर नीचे आके माइनस। अभी भी ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म में है, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 और फिर माइनस x के जगह पे 0 और 0 का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे e टू द पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव e टू द पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, अब ये दोनों कैंसिल हो गए, है ना, और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 by x, x इंफिनिटी हो रहा है, 1 by x क्या हो जाएगा 0, तो आंसर क्या आ गया 0। इस तरीके से इस प्रकार के सवाल को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ और सवाल लेते हैं, ये सवाल समझ में आ गया, ये बहुत टिपिकल सवाल है और इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए ये बहुत ही तरीका है, एक बार और समझ लेते हैं। x इंफिनिटी होने से ये पूरा फंक्शन क्या होगा, इंफिनिटी, क्योंकि एरिया हम कहां तक कम इंक्लोज कर रहे हैं, इनफाइनाइट तक, ठीक है, तो ऊपर हो गया इंफिनिटी, नीचे भी हो गया इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म में है, इसलिए हम इसे एल हॉस्पिटल रूल के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहली बार डिफरेंशिएट किया तो पावर का डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स टाइप, तो ट्वाइस ऑफ दिस मच पूरा फंक्शन। फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं चेन रूल से, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा, है ना, नीचे वाले का डेरिवेटिव कर रहे हैं ये आएगा, ठीक है। अब यहां से पावर 2x स्क्वायर है, यहां पे x स्क्वायर है, ऊपर से नीचे आके पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो e टू द पावर 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकल गया, क्या बच गया e टू द पावर x स्क्वायर, और अब ये फिर अभी भी ये 0 से इंफिनिटी तक होगा, एरिया इंफिनिटी तक कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और यहां भी e टू द पावर इंफिनिटी क्या होगा, इंफिनिटी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए हमें, ऐसी सिचुएशन में हमें करना चाहिए फिर डिफरेंशिएट करना चाहिए, तो फिर से हमने इसको डिफरेंशिएट किया, ये अपर लिमिट आ जाएगा x के जगह पे और x का डेरिवेटिव 1, यहां पे ये e टू द पावर x स्क्वायर का e टू द पावर x स्क्वायर ही होगा, आपको पता है e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, e टू द पावर x स्क्वायर का चेन रूल से पहले ही क्या करेंगे तो e टू द पावर x स्क्वायर और फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x,
ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 by x रह गया, और x tends to infinity, 1 by x tends to 0. अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 4. लिमिट x tends to infinity, tan inverse x का होल स्क्वायर 0 to x divided by under root x square plus 1. इस क्वेश्चन में क्या है? x इंफिनिटी हो रहा है, कभी भी इंटीग्रेट का लिमिट इंफिनिटी होगा 0 से लेकर के sin inverse x का भी ऐसे ही होता है, तो ये ऊपर भी हो जाएगा इंफिनिटी और नीचे इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी प्लस 1 जोड़ोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंफिनिटी ही रहेगा, तो ये हो गया इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म में. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी वही एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे और क्या होगा कि tan इनवर्स x स्क्वायर है, पहले डिफरेंशिएट करना है हमें, ये पूरा dx है फंक्शन, तो सबसे पहले हमें इसको करना है कि इस फंक्शन में पूरे फंक्शन में अपर लिमिट को रख देना है, तो tan इनवर्स x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का डेरिवेटिव 1 और नीचे में फिर माइनस 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा. नीचे रूट का डेरिवेटिव क्या होगा, रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर का फिर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, तो ये 2 से 2 कैंसिल, नीचे x बच गया और ऊपर में ये tan इनवर्स x स्क्वायर हो गया. अगर इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये अगर क्वेश्चन में ये tan इनवर्स 0 टू x tan इनवर्स x और इस पूरे का अगर स्क्वायर हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, तब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पावर का करना पड़ेगा, यानी तब ये हो जाएगा ऐसा, जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया क्वेश्चन को, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ट्वाइस ऑफ, जैसे यहां किया था 0 टू x tan इनवर्स x dx और फिर tan इनवर्स x की जगह पे x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और नीचे क्या हो जाएगा, इसी तरह से हम कह रहे तो नीचे 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस 1 इनटू 2x, 2 से 2 कैंसिल, अब ये हो जाएगा कि x इनटू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 इनटू 0 टू x tan इनवर्स x dx डिवाइडेड बाय क्या हो गया x, ठीक है. अभी भी ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म में है, एक बार फिर से आप चाहें तो इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं और डिफरेंशिएट करके लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा tan इनवर्स x, x का डेरिवेटिव 1 और दूसरा प्रोडक्ट को लगाओगे तो क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस 1 इनटू 2x, 2 से 2 कैंसिल, नीचे x का डेरिवेटिव 1. अब x tends to infinity होने से tan inverse infinity कितना हो जाएगा यहाँ पे pi by 2 और ये पूरा का पूरा चीज x square plus 1 होगा. थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, फिर साफ साफ लिखते हैं, एक बार बना लेते हैं, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, ध्यान से लिखते हैं. क्लास में देखते हैं, ये अभी थोड़ा सा सूखने में इसको दिक्कत है, तो अगली क्लास में इसको हम फिर बात करते हैं उस क्वेश्चन के साथ, ठीक है, ओके, थैंक यू.